महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के 53वें जन्मदिन के मौके पर मन सैनिकों ने 53 किलो का केक काटा और अपने लाडले और चहेते नेता का जन्मदिन मनाया। मनसे के महामंत्री नयन कदम ने मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित नेशनल पार्क से सटे आदिवासी पाड़ा में बच्चों के साथ 53 किलो का केक काटकर राज ठाकरे का जन्मदिन मनाया। इस दौरान आदिवासी बच्चों ने राज ठाकरे का मुखौटा पहन रखा था। इस मौके पर नयन कदम ने कहा कि कोरोना काल में आदिवासी परिवारों की सुध लेने यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे की वजह से यहाँ के गरीब आदिवासी परिवार को जीवन आवश्यक चीजों को देकर उनकी मदद की गई और आज आदिवासी परिवारों के साथ नयन कदम ने 53 किलो का केक काटकर अपने पार्टी प्रमुख राज ठाकरे का जन्मदिन मनाया। कदम ने कहा कि आजकल नेताओं के जन्मदिन फाइव स्टार होटल में मनाने का दौर चल रहा है, लेकिन राज साहब के आदेश के बाद मनसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता कमजोर तबके के गरीब बच्चों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन उत्तर मुंबई के कई इलाकों में दर्जनों कार्यक्रम इस तरीके से आयोजित किए गए। जे आदिवासी मुलं आहेत, हे आदिवासी नॅशनल पार्क, हे आदिवासी पाडा आहे नॅशनल पार्क हमारा, जो मुंबई का हार्ट है और वहाँ पे ये वंचित है, इनके पास कोई देखता नहीं है, नहीं इनको अभी तक घर का सुविधा है, इनको नहीं लाइट है नहीं पानी है, हर घर में बिजली आएगी, हर घर में पानी आएगा, शौचालय नहीं है, सोच वहाँ शौचालय, क्या सोच वहाँ शौचालय, इनके दिमाग में ही सोच हो गया है अभी। ये ऐसी ऐसी सरकार है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे, इनको काम धंधे नहीं है। अगर ऐसे जगह पे हम दुख और सब जगह पे जाते तो आज हम हमारा राज साहब का बर्थडे जो है जन्मदिन, जो सुख का माहौल है वो हम आज आदिवासी पाड़े में उनके साथ हमारा सुख शेयर कर रहे हैं, हमारी आनंद की बात ही है। कितने किलो का केक था सर जो आपने कर? ये 53 किलो का केक था, हमारे साहब का जन्मदिन है तो वो हिसाब से हमने 53 किलो का केक बनाया है और सब बच्चे लोग में बांटेंगे। यहाँ पे आदिवासी पाड़े में जितने पाड़े हैं, जितने बच्चे हैं उनके